बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं का राजनीति विज्ञान पढ़ेंगे। अध्याय 2, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इसके पहले हमने राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में शरणार्थी की समस्या को पढ़ा और आज पढ़ेंगे देशी रियासतों का विलीनीकरण। देशी बच्चों, भारत विभाजन के बाद सबसे ज़्यादा परेशानी जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर रियासतों के विलीनीकरण की समस्याएं सबसे ज़्यादा रही हैं। आज हम देखते हैं कि देशी रियासतों का विलीनीकरण की क्या आवश्यकता थी। तो स्वतंत्रता के पश्चात देशी रियासतों की राजनीतिक स्थिति का निर्णय एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। स्वतंत्रता के समय देश के अंदर ही अंदर छोटी बड़ी कुल 565 रियासतें एवं रजवाड़े थे। ये सभी अपने आंतरिक प्रबंधन के लिए स्वतंत्र थे। अपना अस्तित्व बनाए रखने, राज्यों एवं रियासतों की उपस्थिति, उसकी संप्रभुता और व्यवस्थित शासन व्यवस्था की स्थापना में एक अड़ंगा था। देशी राजा ब्रिटिश शासन से भारत को स्वतंत्रता देने के साथ ही उन्हें पूर्ण स्वतंत्र अधिकार प्रदान करने की मांग कर रहे थे। ब्रिटिश सरकार भी समझौतों और संधियों के कारण देशी रियासतों को इस स्थिति में स्वतंत्र करने के लिए वचनबद्ध थी। अतः ब्रिटिश सरकार के सामने देशी रियासतों के भविष्य के प्रश्न का शीघ्र स्थायी हल निकालना आवश्यक था। अब ब्रिटिश कैबिनेट मिशन ने इसमें क्या निर्णय लिया, इसको देखते हैं। सन 1946 में इंग्लैंड से ब्रिटिश मंत्रिमंडल द्वारा इस संबंध पर अंतिम निर्णय हेतु एक प्रतिनिधि मंडल भारत भेजा। यह ब्रिटिश कैबिनेट मिशन के नाम से जाना गया। इस मिशन का प्रमुख कार्य राजनीतिक दलों और देशी रियासतों के संघ के मध्य चर्चा कर स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों की वैधानिक स्थिति पर ब्रिटिश सरकार को ठोस निर्णय पर पहुंचाना था। दोनों पक्षों के मध्य वार्ता के अनेक दौरों के बाद कैबिनेट मिशन ने ब्रिटिश सरकार को अपने प्रतिवेदन में निम्नलिखित सुझाव दिए, जिसके अनुसार स्वतंत्रता के साथ भारत एक संघ होगा। इसमें ब्रिटिश सरकार और देशी रियासतें दोनों शामिल होंगी। यह संघ वैदेशिक मामले, प्रतिरक्षा और परिवहन पर नियंत्रण रखेगा। उपर्युक्त विषयों के लिए जितने भी धन की आवश्यकता होगी उसे उगाहने की शक्ति संघ के पास रहेगी। संघ को जो विषय एवं शक्तियां समर्पित की जाएंगी उन्हें छोड़कर बाकी विषय एवं शक्तियां रियासतों के जिम्मे रहेंगी। इन प्रस्तावों पर देश की रियासतों के शासकों का संघ नरेंद्र मंडल ने 29 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव पारित कर कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। प्रस्ताव में कहा गया कि संघ में देशी रियासतों का प्रवेश भारत सरकार के साथ वार्ता के आधार पर होगा और इसका अंतिम निर्णय प्रत्येक देशी रियासत के शासक के हाथों में होगा। प्रस्तावित भारतीय संघ देशी रियासतों के संदर्भ में वे ही कार्य करेंगे जो उनके द्वारा संघ को सौंपे जाएंगे। प्रत्येक राज्य के संविधान उनकी क्षेत्रीय अखंडता और शासक देश के उत्तराधिकारी के में भारतीय संघ अथवा उसका कोई भाग हस्तक्षेप नहीं करेगा। आगे चलकर संविधान सभा के साथ वार्ता के लिए देशी रियासतों ने एक समिति का भी गठन किया। इन चर्चाओं में कोई निर्णय नहीं हो सका। तब 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्र घोषित करने के साथ ही साथ भारतीय राज्यों को ब्रिटिश प्रभुता से मुक्त करा दिया।
स्वतंत्र भारत की सरकार ने आगे चलकर इन रियासतों से वार्ता हेतु गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्टेटस डिपार्टमेंट का गठन किया, जिसके प्रमुख गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाए गए। देसी रियासतों के शासकों की प्रतिक्रिया। भारतीय अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने देश में स्थित लगभग 600 रियासतों का प्रजवाड़ों को यह सुविधा प्रदान की कि वे इच्छानुसार या तो स्वतंत्र अपना अस्तित्व बनाए रखें अथवा भारत या पाकिस्तान में अपना विलय कर लें या मिल जाए। इस तरह अंग्रेज जाते जाते न केवल भारत की अखंडता को संकट में डाल दिया, बल्कि देश की एकता को भी खतरे में डाल दिया। भारतीय नरेश भी अपने को पूर्ण स्वतंत्र मानते हुए अपनी शर्तों पर दोनों देशों से संबंध बनाने की सोचने लगे। इन रियासतों में देश की कुल जनसंख्या की 1/4 संख्या तथा भारत के कुल क्षेत्रफल का 40% हिस्सा आता था। इन रियासतों की जनता अधिनियम में रखे गए प्रावधानों से असंतुष्ट थी। उसकी यह धारणा थी कि अंग्रेजों ने उनकी भावनाओं की अवहेलना करते हुए शासकों को निर्णय करने का अधिकार दे दिया। फलस्वरूप ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व में रियासतों की जनता ने प्रजामंडल आंदोलन प्रारंभ कर दिया। देसी रियासतों के नरेशों ने अपने राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने का निर्णय लेकर प्राचीन राजतंत्र की पुनः स्थापना के स्वप्न देखने लगे। ऐसी रियासतें जहां मुसलमान शासक थे को पाकिस्तान ने अपने राज्य में विलय कराने के लिए धर्म के नाम पर दबाव डालना शुरू कर दिया। कुछ शासक भारत व पाकिस्तान की सरकारों से अधिक अधिकार और सुविधाएं प्राप्त करने हेतु सौदेबाजी करने लगे। भारत सरकार अपनी राजनीतिक सीमा के अंदर स्थित रियासतों के स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने के विरुद्ध थी, अतः इन रियासतों से निपटने के लिए कठोर निर्णय लेने का निश्चय कर लिया गया। सरदार पटेल और देसी रियासत। भारत सरकार ने इन रियासतों से वार्तागत समझौते का वातावरण तैयार करने का दायित्व तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा। श्री पटेल ने सभी रियासतों के शासकों से भारत की अखंडता और राष्ट्रीय एकता के नाम पर भारतीय संघ में विलीन हो जाने की अपील की और राज्यों को अपनी प्रतिरक्षा, आवागमन, दूरसंचार, मुद्रा और विदेशी संबंधों में भारत के प्रति निर्भरता को ध्यान में रखकर जनहित में विवेकपूर्ण निर्णय लेने को कहा गया। भारत में विलय करती है तो उन्हें अपनी संपत्ति के साथ कुछ राजनीतिक सुविधाएं भी लेने का आश्वासन दिया गया। देसी नरेशों से वार्ता करने में गृह मंत्रालय के सचिव श्री वीपी मेनन और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर महाराजा पटियाला व भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रमुख भूमिका निभाई। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने गृह सचिव श्री वीपी मेनन के परामर्श से देसी नरेशों की बैठक बुलाई और संबोधित करते हुए अपनी रियासतों की नए भारत में भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्वयं अपने और अपनी जनता के हित में भारत में सम्मिलित होने हेतु 15 अगस्त सन 1947 के पूर्ण एक निर्णय लेने का अनुरोध किया, अन्यथा उन्हें स्वतंत्र भारत में उनके रियासतों की क्या स्थिति बनेगी, इसमें ब्रिटिश सरकार से कोई सहायता की स्थिति नहीं होगी। जिस तरह भारत इन रियासतों को देश की अखंडता और एकता के नाम पर भारत में विलय कराने के लिए प्रयत्नशील था, ठीक उसी तरह पाकिस्तान भी नवाबों को धर्म के नाम पर उन्हें रिझाने और लुभाने का प्रयास कर रहा था। उसके प्रभाव में आकर पश्चिम भारत की खैरपुर और बहा
वलपुर सहित कुछ छोटे रियासतों ने पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। जूनागढ़ के नवाब भी पाकिस्तान में सम्मिलित होने के इच्छुक थे। भोपाल और हैदराबाद के नवाब अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने हुए भारत और पाकिस्तान दोनों से अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते थे। ये दोनों राज भारतीय सीमा के मध्य घिरे बहुसंख्यक हिंदू जनता के राज्य थे। इन रियासतों के स्वतंत्र रहने या पाकिस्तान में विलय की अनुमति दिए जाने से प्रशासनिक व्यवस्था, प्रतिरक्षा की समस्या उत्पन्न होने व जनता द्वारा विद्रोह करने एवं युद्ध हो जाने की आशंका बन जाती। इस स्थिति को उत्पन्न न होने देने के लिए श्री वल्लभ भाई पटेल ने कठोर शब्दों में रियासतों के प्रमुखों को अंतिम चेतावनी देते हुए घोषणा की कि अब देश में ब्रिटिश शासन की सर्वोच्च सत्ता की मृत्यु हो गई है। ब्रिटिश शासन अब समाप्त हो गया है और अब उस पर कोई आंसू बहाने वाला नहीं है। अतः सर्वोच्च सत्ता के विलोप हो जाने का अर्थ राजा महाराजा या नवाब यह अर्थ न लगाए कि भारत में कोई सार्वभौमिकता सत्ता नहीं बची। भारत की सरकार सर्वोच्च सत्ता का दायित्व संभालते हुए उत्तरदायी सरकार के रूप में भारत के किसी भी भाग में अराजकता पनपते नहीं देखना चाहती थी। इसलिए उसने अपने विरुद्ध किसी संभावित सैनिक कार्यवाही की संभावना मानकर महाराजा पटियाला और लॉर्ड माउंटबेटन के माध्यम से कुछ अनावश्यक सुविधाएं भारत सरकार से मांगने का प्रयास किया, किंतु श्री पटेल ने कठोर शब्दों में भारत सरकार का अंतिम निर्णय सुना दिया कि देशी नरेश या तो सरकार द्वारा तैयार किए गए दो दस्तावेजों में लिखी गई शर्तों को स्वीकार कर भारत में अपनी रियासतों का विलय कर लें, अन्यथा संभावित कठोर कार्यवाही के लिए तैयार रहें। श्री पटेल ने देसी नरेशों को भारत में सम्मिलित होने के लिए दो दस्तावेज सौंपते हुए उनसे अपने विलय के संबंध में शीघ्र निर्णय से भारत सरकार को अवगत कराने का आग्रह किया।